जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने नगर पालिका परिषद औरैया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन प्रत्याशी दिलीप तिवारी से की खास बातचीत। दिलीप जी ने कहा, यदि नगर वासियों ने अवसर दिया तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। नगर में जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, पार्कों का सौंदर्यीकरण, वाटर कूलर के साथ ही अनेकों विकास कार्य पर मुख्य फोकस होगा। साथ ही पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सुबोध की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं नगर पालिका औरैया में आई हुई। जैसा कि आपको अवगत होगा कि जो औरैया जनपद है वो कानपुर जोन में आता है, जो यहाँ पर द्वितीय चरण में मतदान होना है। आज नामांकन की आखिरी तिथि है। आज जानने का प्रयास करेंगे तिवारी जी से, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी है नगर पालिका औरैया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो और ये नगर पालिका से आपने सर चेयरमैन पद हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो आप अधिकृत प्रत्याशी हैं सर, आपने ऐसा क्या सोचा था जो यहाँ से आपने चेयरमैन पद हेतु दावेदारी पेश की? सर प्रथम तो मैं अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमें इस पद के लिए यहाँ पर नियुक्त किया। सर मेरा चेयरमैन का उद्देश्य करना है यहाँ की आम जनता को न्याय दिलाना, इनके लिए कार्य करना, विकास कार्यों में कार्य करना। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं ऐसी नगर में हैं, जैसे सीवर का भराव है जो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ बरसात होते ही या आए दिन ये सीवर की समस्या रहती है, पानी भर जाता है, तो जल निकासी के लिए इस पर काम करना चाहेंगे हम। और हमारे यहाँ टूटी फटी सड़कें पड़ी हुई हैं रोडों पे, यहाँ कोई सड़कों में अच्छी मरम्मत नहीं है। और हमारे यहाँ मेन मुद्दा है जैसे बंदरों का, बंदर हमारे यहाँ इतना आतंक मचाए हुए हैं जिससे आम पब्लिक बहुत परेशान है इसके लिए। और जैसे हमारे यहाँ युवा वर्ग के लिए डाइवर्टी का कोई साधन नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ जैसे हम चेयरमैन नगर पालिका चेयरमैन में बैठते हैं तो हम ये सबसे बड़ा प्रथम हमारी प्रमुखता होगी कि हम यहाँ डाइवर्टी युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए ज़्यादा भटकते रहते हैं, तो इनके लिए हम यहाँ पालिका के अंदर एक ऐसे कैंप लगाएंगे जहाँ उनका निस्तरीकरण होगा, उनकी समस्याएँ नहीं आएंगी। इसके अलावा हम जो है नगर पालिका के तहत जैसे ये अवैध वसूली का चल रहा है नया प्रकरण हमारे यहाँ, अवैध टेम्पो वालों से, रेडी वालों से, दुकानदारों आए अतिक्रमण के नाम पे जो हरसमेंट किया जाता है, इन सब समस्याओं से निजात कराएंगे। इसके तहत हम जैसे हमारे आवास विकास कॉलोनियाँ हैं, ये गंदगी से पटे पड़ी हैं, अंबार लगा है गंदगी का, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, लिखने वाला नहीं है, तो ये आम पब्लिक जो हमारी गरीब पब्लिक की चाहती है कि भैया आप चुनाव लड़े, इनके कहने के अनुसार ही हमने जो है कि चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और हम इनके काम उनके लिए काम करेंगे। दिलीप तिवारी जी आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सर आप बता रहे थे बहुत सारी व्यक्ति बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे बहुत सारी नगर पालिका समस्याएं हैं, यदि नगर पालिका औरैया के जितने भी मतदाता हैं सारे मतदाता आपको यहाँ से अवसर देते हैं, जैसा कि सर आप बता रहे थे साफ सुथरे यहाँ पर जो स्वच्छता के नाम पर केवल कागजी हैं, जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिलता है। आपने बताया था कि जैसे नाली है, जैसे नाले हैं जो आप बता रहे थे गंदगी की वजह से पटे पड़े हुए, यदि आपको यहाँ से अवसर मिलता है तो सर्वप्रथम स्वच्छता के क्षेत्र में आपने क्या सोचा है यदि आपको यहाँ से अवसर मिलता है? स्वच्छता क्षेत्र में जैसे पार्कों का सौंदर्यीकरण है, ये हमारे यहाँ जो टूटी टूटी सड़कें पड़ी हैं उनका निर्माण है, और जो नालियों में गंदगी पड़ी है उनका सही से निकासी नहीं है, वो आउटसाइड में रखी है, उनको नालियों को सही से बनवा के उनकी जो पानी का निकास शुरू से सही हो जाएगा सुचारू रूप से, तो गंदगी की समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे कि हमारे यहाँ पार्क है, यहाँ पे रोटी नहीं है, और काफ़ी सिस्टम ऐसे हैं जिनके हम विकास इधारों पर काम करना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भी शासन स्तर से स्कीम या योजनाएं आते हैं वो तो नगर पालिका के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे सर युवाओं के लिए जैसे लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, खेल के मैदान, और सीनियर सिटीजन के लिए आपने क्या सोच रखा है सर, जो मतलब वृद्ध लोग होते हैं सीनियर सिटीजन जो आते हैं? सीनियर सिटीजन जैसे हमारे आते जाते हैं या कुछ सुनवाई वाली करने वाले नहीं है, जैसे हम सड़कों में इनकी व्यवस्था करेंगे या फिर नगर पालिका में कोई कैंप लगा दें इनके लिए, इनके जो समस्याएं हैं उनको सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वृद्धा आश्रम की बात आती है या कोई ऐसी समस्या आती है तो कुछ कहने वाला नहीं है, तो हम जो भी उनकी समस्या उनके निराकरण के लिए एक अलग से वहाँ बेंच बैठा लेंगे। और जो हमारे यहाँ होता क्या नगर पालिका में अब तक है कि
कोई भी टेंडर हुआ कोई टेंडर पूरे पंजाब में नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब अगर हम बैठते हैं तो वो सारा जो कार्य होगा वो ट्रांसपेरेंसी होगा, ना हम किसी को खाएंगे और ना खाने देंगे, हम यथा व्यवस्थित जो है कार्य करेंगे और सुचारू रूप से करेंगे। सर इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से, जैसा कि सर यहाँ 11 मई को मतदान होना है, तो सर हमारे चैनल के माध्यम से नगर पालिका और ये वासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, जब विकास और बदलाव की बात है तो एक सही इंसान को चुने और हमें इस लायक मौका दें। अगर हमें आम पब्लिक ने ही खड़ा किया है, हम बताया हमारा कोई राजनीति में देर नहीं था, मुझे पब्लिक ने ही इसी लिए खड़ा किया कि आप भैया जब वैसे समस्या सुनते हैं तो आपके पास पावर होगी, आईडी होगी, लड़ने की क्षमता होगी, तो पब्लिक के कहने पर ही हमने ये शहरी चुनाव का निर्णय लिया है। इसके अलावा सर जैसा कि आप बता रहे थे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, आपकी पार्टी की सर नगर निकाय को लेकर या आगे की क्या रणनीति है? हमारी पार्टी विकास के मुद्दों को काम करना चाहती है, भ्रष्टाचार संबंधित इन चीज़ों को खत्म करना चाहती है और हम संघर्ष करेंगे। अगर हमारी पार्टी को हमें पार्टी हमें मौका दिया है तो हम उसे खराब करने की कोशिश करेंगे। जी आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे दिलीप तिवारी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन पद हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अतिरिक्त प्रत्याशी है। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि जो भी बेसिक नीड्स जनमानस की होती हैं उन्हें अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, साथ ही साफ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के लिए जैसे खेल का मैदान हुए, चाहे लाइब्रेरी हुई, ओपन जिम हुई, वृद्ध लोगों के लिए पार्क हुए, पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, साथ ही साथ जो टेम्पू स्टैंड वगैरह में जो अवैध वसूली की जाती है उस पर रोक लगाने की सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ समस्त नगर पालिका वासियों से वोट देने की अपने पक्ष में अपील की। देखते रहिए न्यूज़ 24।